हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को और ये आज डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। अगर आप पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लेक्चर का अगर PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ओके, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ही मिल जाएगा ओके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। The headquarter of Survey of India is located at Survey of India की हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, देहरादून में ओके। और ये फॉर्म्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1767 में ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आप सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया प्रिपेयर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ओके, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर D, कोलकाता। कोलकाता में आपका GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्राइम प्रोवाइडर है बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन टू दी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड जनरल पब्लिक एज वेल एज ऑफिशियल पार्टिसिपेंट इन स्टील, कोल, मेटल, सीमेंट, पावर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल जियो साइंटिफिक फोरम्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है देखिए इस्टेब्लिश हुआ था 1851 में 4 मार्च और हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। देन क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर दिए रखे हैं फुल फॉर्म ऑफ SPSS इज। यहाँ पर देखिए SPSS की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो SPSS जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर B, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस ओके। और ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1968 में, 1968। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस की ओरिजिनेटर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ओरिजिनेटर है आपका रिग्रेशन एनालिसिस का। The next question, question number 65. The climograph was introduced in cartography by climograph किसने दिया था? Climograph दिया था G. Taylor ने। Option number B is the correct answer, G. Taylor okay। और 1949 पे आया था। The next question, question number 66. The नियरेस्ट नेबर एनालिसिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, ये जो टॉपिक है यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है। हर साल क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन UGC नेट के एग्ज़ाम में बनता है ओके। ये एक्चुअली सेटलमेंट पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर इस मेथड की शो कराते हैं, ठीक है। ये बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये देख लीजिए। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस मेथड जो डेवलप किया था, जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम है ऑप्शन नंबर C, क्लार्क एंड इवांस ओके। यहाँ पर देख सकते हैं नियरेस्ट नेबर एनालिसिस डेवलप किया था, बताया आपने अभी, क्लार्क एंड इवांस। और ये एक्चुअली यूज होता है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर जो है फाइंड आउट करता है इस एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो किस चीज़ का पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं? वो हाउसेस का हो सकता है, ठीक है, इन ए विलेज, या किसी भी ट्री का भी हो सकता है, यहाँ पर हाउसेस के दे रखे हैं तो ट्री का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। लेकिन ज्योग्राफी में ज़्यादातर होता है आपका सेटलमेंट पैटर्न। ओके, तो सेटलमेंट पैटर्न जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलता है हम लोगों को, तो तीन तरीके का मिलता है, एक क्लस्टर्ड और एक रेगुलर और एक मिलता है रैंडम। ओके, ये आपका नियरेस्ट नेबर इंडेक्स की फार्मूला है। यह हम लोग को इतना देखने का ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है लास्ट वाला, ये वाला, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखिए RN यानी नियरेस्ट नेबर इंडेक्स, इसका जो रेंज है 0 से लेके आपका 2.15 है। ठीक है, 2.1 भी याद रख सकते हैं या 1.5। तो 0 जो है, 0 में आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट मिलता है। यहाँ पर लिखा देखिए लेफ्ट कॉर्नर में नीचे क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है 0 में। और जब आपका सेटलमेंट ये जो RN वैल्यू 1 आ जाएगा, अगर 1 रहता है तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, सेटलमेंट का पैटर्न मिलता है। और आपका 2.1 ये अगर मिलता है वैल्यू तो आपको मिलेगा परफेक्टली यूनिफॉर्म या रेगुलर भी रह सकते हैं यहाँ पर, रेगुलर। ओके, रेगुलर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका RN वैल्यू है। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। और ये डायग्राम तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 0 में देखिए यहाँ पर 0 दिया गया है, RN देखिए यहाँ पर क्लस्टर लिखा है। तो क्लस्टर में क्या होता है, सेटलमेंट जो रहता है यहाँ पर विलेज में हाउसेस, वो बहुत ही क्लोज यहाँ पर सिचुएटेड होता है। देखिए यहाँ पर क्लोजली सिचुएटेड होता है, तो ये क्लस्टर हो गया। और अगर आप 1 की आसपास जो है आपका वैल्यू आ गया तो तब होगा आपका रैंडम पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सेटलमेंट की। और 2.1 में होता है, 1.5 में यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स। यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब देखिए इस रो में शुरू, यहाँ पर देखिए एक हाउसेस यहाँ पर है तो वही सेम आपका स्पेस लेके जो है नेक्स्ट घर आपका सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके से एक ही रो में, एक ही पैटर्न में आपको मिलता है। ठीक है, इसलिए जो है आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म सेटलमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न रहता है हाउसेस का। ओके, तो ये हो गया नियरेस्ट नेबर इंडेक्स एनालिसिस। ओके, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द कंटूर्स ऑफ इक्वल स्पेसिंग रिप्रेजेंट्स। कंटूर्स ऑफ इक्वल स्पेसिंग मतलब समान बराबर, एक समान बराबर जो है स्पेस रहता है कंटूर में, तो वो चीज़ जो है कौन सी चीज़ को, कौन सी स्लोप को आपका डिस्क्राइब करता है। तो इसका जो आंसर है वो है यूनिफॉर्म स्लोप, यूनिफॉर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर देख सकते हैं। तो लिस्ट 1 हम लोग देखते हैं। लिस्ट 1 में दिया गया है 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल, 3 एंड थीमेटिक मैप। तो हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ओनली क्या शो करते हैं, लेंथ शो करते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम में। एंड 2 डायमेंशनल डायग्राम में क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम में करते हैं लेंथ एंड विड्थ, लेंथ भी शो करते हैं प्लस इसका विड्थ कितना है वो भी हम लोग जो है शो कराते हैं। और 3 डायमेंशनल डायग्राम में क्या करते हैं, लेंथ, विड्थ या ब्रेड भी कह सकते हैं, और इसके साथ हाइट भी देख सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं इसको। ये जो आपका 3 डायमेंशनल मतलब ये 3D व्यू में रहता है। ओके, और लास्ट में देखिए थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप ये जो है हम लोग थीमेटिक मैप में शो कराते हैं स्पेशियल वेरिएशंस ऑफ सिंगल फिनोमेना और रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 2, 1, 4 एंड 3। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग हाईएस्ट ये जो रेड कलर में जो ये जो पीक आया है ऊपर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये एक्सट्रीम पीक, तो इसको बोला जाता है लेप्टोकोटिक। और मीडियम जो ग्रीन कलर में है वो है आपका मेसोकोटिक या नॉर्मल। और लास्टली जो ब्लू कलर में है वो उसको बोला जाता है प्लेटोकोटिक, प्लेटोकोटिक। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर भी फिर दो लिस्ट दिया गया है, हम लोग देखते हैं कौन सी लिस्ट। लिस्ट वन में क्या है, लिस्ट वन में है आपका आरएफ एंड लिस्ट टू में है लेवल ऑफ स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट आरएफ दिया गया है 1:2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, यस 2.5 लाख। तो इसका जो स्केल है वो है मीडियम स्केल, ओके, मीडियम स्केल। और यहाँ पर देख सकते हैं 50 लाख, 1:50 लाख, ये जो आरएफ दिया गया है ये है स्मॉल स्केल का, ओके। एंड ये जो दिया गया है 1:25,000, ये है आपका लार्ज स्केल, ओके, लार्ज स्केल। एंड लास्टली 1:4,000, ये जो है आपका कैडेस्ट्रल मैप का स्केल है, ओके। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 3, 4, 2 एंड 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट वन में है स्टैटिस्टिक्स एंड लिस्ट टू में है एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिएगा स्टैंडर्ड डिस्टेंस, फर्स्ट देखिए स्टैंडर्ड डिस्टेंस, इसका जो एनालिसिस है स्टैंडर्ड डिस्टेंस में वो है आपका सेंट्रोग्राफिक मेजर, सेंट्रोग्राफिक मेजर, ओके। देन नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, अभी हम लोग ने पढ़ा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं स्टडी, सेटलमेंट पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न, ओके, पैटर्न देख के ही आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं सेटलमेंट पैटर्न। देन कोरिलेशन, कोरिलेशन में हम लोग डायग्राम दिखाते हैं, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम दिखाते हैं। देन एगियन वैल्यू, एगियन वैल्यू में हम लोग दिखाते हैं आपका एक ऑप्शन बचा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, ओके। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 2 एंड 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मॉर्फोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन इज सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ, मॉर्फोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन कौन सी चीज़ में जो है स्टडी करने के लिए सुइटेबल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्लोप एनालिसिस, मॉर्फोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सुइटेबल होता है स्लोप एनालिसिस के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, 73। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिकल मेथड इज मोस्टली यूज फॉर, काई स्क्वायर जो स्टैटिस्टिकल मेथड है मोस्टली किसके लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर, सिग्निफिकेंस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सिग्निफिकेंस हम लोग स्टडी करते हैं बाय द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हु एमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड लॉरेंज कार फॉर शोइंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम शो करने के लिए जो लॉरेंज कार्व प्रिपेयर किया गया है, ये जो लॉरेंज कार्व है किसने प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, नाम पे ही लॉरेंज है, तो इसका आंसर भी सी होगा, डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75। Which one of the following phenomenal relationship is depicted by an ergograph? ergograph में कौन सी relationship, यहाँ पर देखिए कौन सी phenomenal relationship depict या show किया जाता है ergograph में। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में लिखा होता है, टेम्परेचर प्लस यहाँ पर रहता है रेनफॉल, और यहाँ पर आपका ग्रोइंग सीजन के बारे में, ये जो ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स उसका डिपिक्शन रहता है या पिक्चर्स यहाँ पर शो किया जाता है एर्गोग्राफ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एर्गोग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर इस साइड में राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पर दिया गया है रेनफॉल और मिडिल में दिया गया है मंथ। ओके, वहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोला था कि यहाँ पर बोला गया है रेनफॉल दिया गया है, लेकिन रेनफॉल जो है आपका राइट हैंड में दिया गया है और लेफ्ट हैंड में दिया गया है टेम्परेचर। ओके, और ये जो ये एक्स एक्सिस में है आपका मंथ और इधर आपका दिया गया है क्रॉप्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉप्स, ये आपका राइस है, व्हीट है और कॉटन वगैरह यहाँ पर दिया गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर देखिएगा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के यह जो वैल्यू आपको बताया था 0 से 2.15 तक, वहाँ से ही पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहाँ पर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, रैंडम पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर होगा आपका बी। बी में क्या है? ऑन। तो 0 में हमने बताया था आपको क्लस्टर्ड, आर में बताया था रैंडम एंड 2.1 में यूनिफॉर्म या रेगुलर। ओके, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट नेबर इंडेक्स व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द परफेक्ट यूनिफॉर्म सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू क्या था। मिनिमम था 0 और मैक्सिमम 2.15 था, ठीक है, परफेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी 2.15। ओके, सो इजी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट की डिग्री दिया गया है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ से यहाँ पर देखिएगा कौन सा मैच नहीं होता है, ठीक है, वैल्यू को देखिएगा कौन सा मैच नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी -0.99 नील, ये जो है वैल्यू ये कोरिलेशन कोफिशिएंट में वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यह आंसर ये वाला होगा। आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं डायग्राम कोरिलेशन के, ये आप कॉपी में बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेपर 1 भी आ सकता है, पेपर 2 में तो आ ही जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर कोरिलेशन देख लीजिए, परफेक्ट कोरिलेशन, ये कोरिलेशन पॉजिटिव में होता है नेगेटिव में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो +1 जब रहेगा, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन तब होगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस रहेगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, और -1 में रहेगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देन देखते हैं हाई कोरिलेशन, ठीक है, हाई कोरिलेशन जब तब होगा जब +0.75 से लेके 1 तक है, ठीक है, प्लस में है, ठीक है, प्लस में रहेगा तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, और यही वैल्यू अगर माइनस में है तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा आपका परफेक्ट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, और आपको मिलेगा 0 या एब्सेंट कोरिलेशन मिलेगा, ठीक है, उसका वैल्यू आपका 0 में रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिए गए हैं -0.99 नील, नील तो किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कुड बी करेक्टली रिप्रेजेंट इन ए कंटूर मैप। कंटूर मैप में कौन से एस्पेक्ट को करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी टेरेन एलिवेशन, ट्रेन एलिवेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है कंटूर मैप में। देन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 80। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इज मिसमैच विद इट्स वैल्यू। यहाँ पर फिर दिया गया है कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इट्स वैल्यू के साथ मैच नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट पॉजिटिव, इम्परफेक्ट नेगेटिव, नो कोरिलेशन एंड पॉजिटिव सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था डायग्राम में, तो परफेक्ट पॉजिटिव भी था, नो कोरिलेशन यानी जीरो था, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस पॉजिटिव भी था, ठीक है, लेकिन इम्परफेक्ट नेगेटिव नहीं था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन जो है कार्टोग्राफी और स्टार से कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, सक्सेसफुली डिस्कस किए हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो रहेगा आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआई से रहेगा, तो वो जो क्वेश्चंस है आपका बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो का अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और यूजीसी नेट के अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।